हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। आइटम सॉन्ग किया आज इन दोस्तों, बड़ी खुशी का मौका है और मैं अपनी तरफ से तो भाग्य विधाता उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए मुझे। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू। और समीर भाई, दिलीप भाई ने जो आज गाने सुने मैंने काफी मुद्दत के बाद, फुल ऑफ रिदम, मैं भी जरा पैर बजा रहा था उधर, बहुत अच्छा रिदम था। एंड नहीं तो आजकल के गाने तो पहले तो समझ नहीं आते, माफी चाहता हूँ। हाँ जी, आपकी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे, मैं इसमें सहमत हूँ। और मैं जो काम करता था वो आप लोग को मालूम ही है, ऐसा कोई काम नहीं था, इसलिए इन्होंने मुझे पिक्चर में नहीं लिया। ठीक है ना जी। मेरा काम क्या था कि हिरोइन को उठाना, साड़ी खींचना, दुपट्टे खींचना, फिर गाली बात करना, गालियाँ सुनना, कुत्ते कमीने, घर में माँ बहन नहीं है, ऐसा कुछ बोलती थी लड़की हीरोइंस। आजकल फैशन बदल गया, हीरोइंस कपड़े नहीं पहनती हैं, तो मैं क्या खींचूंगा, क्या फाड़ूंगा, तो इसलिए मैं इस फिल्म में नहीं हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे चाहे इस मौके पे शामिल किया गया, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता। डायलॉग कमाल कर दिया है सब कुछ। आपने भी, हाँ जी, बड़ी सपोर्ट की है, बहुत अच्छा किया है। विश यू ऑल द बेस्ट। कभी बाप का रोल करना तो मुझे याद। ओके, अगली फिल्म ऑल द बेस्ट। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। रंजीत भाई, इस पिक्चर के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि ये सुपर हिट हो। और अल्फा के लिए भी शुभकामना है, क्योंकि हमने देखा, क्योंकि हम लोग करते नहीं, देख तो सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। वे एक्टिंग बहुत पसंद आई और जो चेहरे का इम्प्रेशन था, जो भाव था, और इसमें जो बम्बम भोले, बहुत आनंद आया। क्योंकि हमारे अखाड़े में जो साधु संत गाते हैं ना, रिदम वही है जो प्राचीन काल से गाथा सुनाते हैं शिव जी की, वही वही वाला है एकदम, इसलिए बहुत करीब जा रहा था। तो बहुत बहुत शुभकामना है इसमें अल्फा आर्यन के लिए, उसके भविष्य के लिए। और दिलीप सेन, समीर सेन जी का तो पुराना भविष्य उज्ज्वल रहा, बहुत उज्ज्वल रहा है, उनको भी और भविष्य में संभावनाएं मिले और ख्याति हो, नाम हो, ऐसी शुभकामना है। अली भाई रंजीत साहब ने सबने शुभकामनाएं दी, मेरी ओर से भी हार्दिक शुभकामना है। बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑल द बेस्ट। म्यूजिक के लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भाग्य विधाता से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि इन सब का भाग्य विधाता और ऊपर उठाए और उज्जवल बनाए। ऑल द बेस्ट अली भाई। अली, रंजीत साहब के बाद फिर कुछ कहने की बात ही नहीं रही। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मैं पहले भी सुन चुका हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्वत्रम तन्नासुव ओम शांति शांति शांति। अच्छा, जानना चाहूंगा आपसे, ये डेब्यू फिल्म है आपकी, क्या रोल निभा रहे हैं, क्या आपका ये पृष्ठभूमि क्या, कहानी क्या है इसमें? सर, ये एक फैमिली ड्रामा है, एक इंसान की फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, तो वो किस तरीके से फ्यूचर में जाके अपनी फैमिली का रिवेंज लेता है, पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा,
अच्छा जी, तो कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान, क्या क्या अनुभव किया? थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा इजी था और कहीं कहीं जगह पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और उस टाइम के लिए मैं फ्रैक्चर्ड हुआ था, लेकिन शेड्यूल चल रहा था तो उसको रोक नहीं सकते थे, तो उस दौरान थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई, बाकी सब ठीक था। कुछ अपने बारे में बताइए, कैसे एक्टिंग की शुरुआत की, कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे आना हुआ? अबे दिलीप सेन के लिए भी तो कुछ बोले। एक्टिंग शुरू से इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो मेरे डैड को मेरे अंदर दिखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उन्होंने प्लान किया कि ऐसे ऐसे एक मूवी स्टार्ट करते हैं। देन वो सर से मिले, दिलीप सर से, और दिलीप सर ने पूरी प्लानिंग करी कि ये एक मूवी बना के प्लेटफॉर्म पे लेके जाते और लॉन्च करते हैं। सर आपसे अनुचा मिलो, सर आपने भी काफी कामयाब फिल्म बनाई है, इस तरह की क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में, इस तरह की फिल्मों का क्या मार्केट है, किस तरह से देखते हैं आज के व्यूअर्स का जो? देखिए कंटेंट वाली फिल्में आज भी सुपर हिट होती है, चाहे उसका बजट छोटा भी हो तो करोड़ों का धंधा करती है, और अगर कंटेंट नहीं है तो करोड़ों की फिल्म कवरेज भी नहीं करती है। तो आज मतलब टाइम अच्छा है, बिजनेस पहले से बहुत अच्छा है, लेकिन मेन ये है कि कंटेंट को साइडवेज कर दिया गया है, टेक्निक बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन कंटेंट और अटैचमेंट जो होता था पहले वो थोड़ा कम हो गया, उसकी वजह से मतलब हर फिल्म में कंटेंट नजर नहीं आता है। देखिए कंटेंट वाली कितनी छोटी फिल्म इस साल में सुपर हिट हुई, और बड़े बजट की फिल्में स्टार कास्ट के साथ भी फ्लॉप हुई, तो ऐसे अच्छे मैसेज वाली फिल्म है तो डेफिनेट नए स्टार के साथ भी चलेगी, और अच्छी मेहनत की है सब ने, और दिलीप सेन समीर सेन का म्यूजिक है तो कुछ तो उसमें बात होगी होगी। तो सर समीर सेन आप बताइए क्या किस तरह से संगीत है, कितने गाने हैं, सिंगर्स कौन है? पांच गाने हैं इसमें, और अलका अभिजीत मतलब सबने, सब सिंगरों ने, दर्शना जी सबने गाया है, एक प्रकार ने लिखा है, और हमने कोशिश की है भाई जैसे शुरू से म्यूजिक देते आ रहे हैं कि अच्छा म्यूजिक देने की, और जो गाने बन पड़े हैं वो अभी आप देखेंगे तब पता चलेगा। तो मेरी तरफ से अल्फा को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो, और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। गुरु जी सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा अपने भतीजे अल्फा को जो आज यहाँ पर डेब्यूट हो रहे हैं, आज लॉन्च यहाँ पर हो रहे हैं। वैसे तो पूरे विश्व भर में आदरणीय दिलीप सेन साहब ने संगीत की दुनिया में एक जोरदार धमाका किया है, दिलों में बसते हैं, आज उनके आमंत्रण पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भाग्य विधाता आज इस फिल्म का जो है म्यूज़िक लॉन्च यहाँ पर हो रहा है, और जिन्होंने इस म्यूज़िक में अपना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, आदरणीय दिलीप सेन साहब, समीर जी, सुलक्षणा जी, रमेश जी, और हम लोगों के बहुत ही प्रिय मित्र मेहुल कुमार साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय स्वामी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस फिल्म की सुपर हिट होने की कामना कर रहे हैं, और इसका म्यूजिक इस देश में नहीं पूरे विश्व में जबरदस्त धमाका करेगा, यही मेरी शुभकामना। हम तो आए हैं शुभकामना देने के लिए कि पिक्चर सुपर हिट हो, और जिस तरह से आपने कहा कि कंटेंट की कमी हो रही है, और वास्तव में जैसे साहित्य समाज का दर्पण होता है वैसे ही फिल्म आज सबसे बड़ा दर्पण है, और फिल्मों के माध्यम से हम लोगों का चिंतन बदल सकते हैं, और इसका टाइटल बहुत ज़बरदस्त है, भाग्य विधाता, क्योंकि आज हम अंधविश्वासों और छोटी छोटी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि भाग्य बनाने की ओर ध्यान देते नहीं हैं, और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं, अपना विधाता स्वयं है। तो इस टाइटल से ही लग रहा है कि इसमें कुछ युवाओं को और पूरे जनता को प्रेरणा मिलेगी कि वो भाग्य विधाता अपने बन सके। और सबसे खुशी की बात है कि दिलीप सेन जी, समीर सेन जी के उनके बड़े शंभू सेन जी से हमारा बहुत पुराना रिलेशन संबंध रहा, 1994-95 में हम साथ में काम कराए, कुछ धार्मिक चीज़ें बनवाई थी, तो उसी फैमिली की चीज़ है, और आप साधारण नहीं है, आपकी प्रतिभा और ख्याति पूरे विश्व में है, क्योंकि हम भी लगभग 50 देशों में रहे, हर जगह आपका डंका बज रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामना दिलीप सेन, समीर सेन जी के लिए, और बालक अल्फा आर्यन के लिए कि शुरुआत इनकी अच्छी हो और आगे बहुत आगे तक जाए। जी पुष्पा जी दो शब्द बोलेंगे। पिक्चर जैसे कि गुरुजी ने कहा कि आजकल लोग अपने भाग्य बनाने पे ध्यान ही नहीं देते थे, वाकई बहुत सही बात है, और फिल्म बन रही है और इसमें गाने जो है दिलीप सेन जी के हैं, और समीर सेन जी को कौन नहीं जानता है, तो ये बोलने वाली बात नहीं है, फिल्म सुपर डुपर हिट रहेगी। हम लोग ये भगवान से दुआ करते हैं कि फिल्म वाकई अच्छी बने,
और इससे और भी देखने के बाद लोगों का भाग्य बने और फिल्म बहुत ही अच्छी जाए, बस मैं यही लोगों से दुआ करूँ। राकेश पांडे जी बोलेंगे तो कैमरा इधर। मैं राकेश पांडे, मैंने ज़्यादातर काफ़ी सारी गुजराती फिल्मों में मैं काम कर रहा हूँ और कई सारी सिल्वर जुबली भी हैं। अभी मेरी भोजपुरी फिल्म वीर अर्जुन भी रिलीज होने जा रही है। दिलीप सेन जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे नाइस टाइटल भाग्य विधाता पे तो उन्होंने जो मुझे बुलाया इसके प्रमोशन पे, म्यूजिक के प्रमोशन में। और यहाँ पे अल्फा जी तो हमारे यहीं पे आ ही रहा हूँ, लेकिन एक अपने सुंदर योगेश दुबे जी हमारे भाई हैं इस प्रोग्राम में, हमारे स्वामी जी का जो चरण जो पड़ा है, उमाखंड महाराज जी का, तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी शुभ बात है। और अगर शायद इसका टाइटल अगर कोई भाग्य विधाता की जगह कोई ऐसा वैसा टाइटल होता तो शायद स्वामी जी का कदम यहाँ नहीं पड़ता, लेकिन एक बहुत भाग्य विधाता जैसे उन्होंने बताया कि भाग्य जो है हमें अपना जो है खुद बनाना है, इस विषय के ऊपर ये जो टाइटल रखा गया, स्वामी जी की प्रेजेंस भी जो है वाकई में आपके लिए क्लैपिंग की बात है। और अल्फा जी के लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, मेरा जो अनुभव कहता है जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री शुरुआत किया था तो मैं ऐसे तो मैं मनोज तिवारी जी से लेकर तमाम लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, गुजरात के कोई ऐसे स्टार नहीं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, चार चार सिल्वर जुबली दी है। बीच में कभी कभी हम पिक्चरों की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी इंथुआजम रहता है, रिलीज होती है तो हमारे मन के अंदर जो है काफ़ी क्यूरियोसिटी और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा भाव रहता है कि कल इतने सारे लोगों के बीच में हम कर रहे हैं फिल्म का क्या होगा। तो फिल्म को हमको जो है दिल से हमने बनाई है और आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, आपका परिवार वो परिवार है जिसने पूरी भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में भी भारतीय जो है बड़े शान से दिल एक मंदिर प्यार है पूजा न जाने कितने गाने ओले ओले से लेके आप लोग के परिवार का है, तो आपके परिवार का तो आशीर्वाद है ही है। और मैं भी आपको बहुत बड़ी शुभकामना दूंगा, बस मैं इतना ही कहूँगा कि साहस को बना कर रखिएगा, ये प्लेटफॉर्म की एक शुरुआत है। और भाग्य विधाता मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाग्य विधाता आपके भाग्य की कुंडली खोले और आपको बहुत आगे ले जाए और आपको इतना साहस दे कि सफलता को भी और किसी प्रकार की भगवान ना करे किसी भी प्रकार के चैलेंज को सहने की भी क्षमता आपके अंदर बराबर बनी रहे, तो आप ऐसी सदा चमकते रहोगे, संघर्ष को कभी मत छोड़ो, मेरे आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एंड इट्स अ वेरी नाइस टाइटल भाग्य विधाता, आज के समय में एक क्लीन टाइटल है और जिन्होंने इस टाइटल को सोचा है मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और शब्बीर भाई जो डायरेक्टर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत प्रदीप जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि फिल्म भगवान करे बहुत बहुत सुपर डुपर हिट हो, क्योंकि फिल्म बहुत मेहनत से बनी है। प्रदीप जी क्या कहेंगे? सर ये फिल्म पे मैंने एक मैसेज देने का कोशिश की है, आज के समाज के अंदर जो दुनिया में हो रहा है भाई भाई का दुश्मन है, खून खून का प्यासा है, खून के अंदर आज के ज़माने में बिल्कुल वो पहले वाले रिश्ते रह ही नहीं गए। मैंने उस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की, बड़ा भाई कैसे छोटे भाई के अपने लालच के लिए छोटे भाई की प्रॉपर्टी हड़प करता, छोटे भाई को किन हालातों से गुजरना पड़ता है और बाद में उसका बेटा फिर अपने पिता सब हुए है अन्याय की अपने पिता के बड़े भाई से भाग्य विधाता बन के वो करता है। उस तरह से मैंने एक संदेश देना चाहा और जब बड़े भाई को बाद में आखिर में रिलीज होता है कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ बहुत गलत किया जिंदगी में, तो उस हिसाब से मैंने एक भाग्य विधाता बहुत बढ़िया। ये पूरी पिक्चर की पब्लिसिटी की जिम्मेदारी हमारे भाई के हाथ में है, बहुत बढ़िया। और शब्बीर साहब के लिए मैं इतना ही कह दूं कि इनके परिचय की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी उम्र के जितना तो इनका अनुभव है फिल्म लाइन में। जरा दो शब्द दुआ में। पिक्चर दुआओं से बनती है और माहौल जी ने जैसा बोला कि कंटेंट चलता है, कोई पिक्चर छोटी बड़ी नहीं होती है, हम लोग उसको अच्छा सी कोशिश करते हैं कि थिएटर तक जाए और चीज़ें आए। इसमें आर्यन ने थोड़ा सी कल सपोर्ट किया क्योंकि बाप बेटे की कहानी बता रहे थे हमारे डायरेक्टर, तो आर्यन ने कल सपोर्ट किया और अच्छी प्यारी डिजाइन मिली। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब मैं जरा बीच में जाऊँगा, रुकना क्या यार, मैं पता चला कि मैं कहीं नहीं आउट ऑफ फ्रेम में हूँ। नहीं एक सेकंड जरा, मैं संगीतकार दिलीप सेन और मेरे साथ गुरु जी हैं, योगेश जी हैं, पुष्पा जी हैं, राकेश जी हैं, अल्फा आर्यन और मेहर कुमार जी, मेरे पार्टनर संगीत सेन जी, बिटिया हमारी सुदक्षिणा जी और इस फिल्म के बहुत ही प्यारे गीत लिखने वाले हैं प्रकाश जी। आज बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए क्योंकि जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो बोलते हैं कि भैया इस फिल्म में हमने कुछ हटके काम किया है, पर आज मेरे अपने परिवार की एक फिल्म लॉन्च हुई है भाग्य विधाता। अल्फा मेरा छोटा भतीजा, मेरे छोटे भाई आनंद जी, मतलब ये समझिए कि जब इन्होंने मुंबई में आके इन्होंने एक ही बात कही कि दिलीप भाई मुझे फिल्म बनानी है, तो मैंने सच्ची यकीन मानी है, मैंने उनसे कहा भैया ये तुम्हारा बस का काम नहीं है क्योंकि फिल्म के लिए आदमी अलग होता है, मगर बाद में बड़ा अच्छा लगा, बहुत देर से आए दूर आए कोई बात नहीं, मगर बाद में इन्होंने मेरी बात को माना और बहुत ही
प्यार से बहुत ही तकलीफों के बाद, प्यार के साथ तकलीफें भी होती हैं, आप समझ सकते हैं, एक नए आदमी को फिल्म बनाना ये कोई मजाक की बात नहीं है, फिर नए आदमी को लेकर, नए लड़के लड़की को लेकर, बस इसमें अगर पुराना कोई है तो हम दो ही हैं, दिलीप सेन समीर सेन। तो कहने का मेरा मतलब है कि भाग्य विधाता को जो टाइटल मिला इस फिल्म को, जो प्रदीप जी ने मेहनत की इस पर, जो आर्यन जी ने काम किया और हम लोगों ने अपना म्यूजिक दिया, और खास बात है कि इस पिक्चर के भाग्य विधाता, मैं यही कहूँगा कि इसके भाग्य वाकई में उज्ज्वल है, क्योंकि गुरु जी का आना, हमारे लाडले स्टार भतीजे भी भतीजे ही हैं मेरे, योगेश जी का आना, मेहुल जी का आना, आप सबों का, खास करके मीडिया का आना, तो मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर बहुत हिट रहेगी। और इस अभी मैं आपको गाने सुनाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको गाने पसंद आएंगे। मेरा नाम रुखसार मंसूरी है और मैंने इस फिल्म में आइटम सॉन्ग किया है, बहुत बढ़िया किया है, जिसका नाम है छम्मक छल्लो। तो बहुत ही जल्द आपके दिलों पे राज करूंगी। बहुत बढ़िया, अभी भी कर रही हो, और आपको और इसके गीतकार से भी मिलाते हैं हम लोग। एम प्रकाश जी जरा बोलिए कुछ। मैंने ये फिल्म में चार गाने, भक्ति मानिए भाग्य विधाता में चार गाने दिए हैं, इसके पहले मैंने गुड्डू धनवा जी के मूवी में गुलाबी में गाने दिए थे, अभी प्रदीप जी के साथ में मैंने तीन फिल्म किए हैं, सनक तीन लोड़े और भाग्य विधाता। बहुत बढ़िया, गाने सुनिए, चार गाने, चार फ्लेवर के गाने, आइए अरविंद जी जरा। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा टाइटल है जिसको हम लोग आज से 20-25 साल पहले सब हमारी फैमिली में नाम होते थे, शब्द होते थे, और सबसे पहले पूरे भाग्य विधाता की टीम को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिलीप सेन जी, समीर सेन जी, जहाँ खड़े हो वहाँ म्यूजिक में कहते हैं साक्षात सरस्वती और भगवान सर आ जाते हैं, और ये टीम को हमारी पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राजेश भट्ट जी, दो शब्द इन लोगों की दुआओं से ये फिल्म बनी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिलीप सेन जी को, समीर सेन जी को, अच्छा मेहुल जी, गुड इवनिंग सर, और योगेश जी हैं, योगेश जी को, गुरु जी हमारे जी, प्रभु जी नाम, और प्रभु जी आगे ऐसा बहुत शुभकामनाएं कि भाग्य विधाता का ये अपना ऑडियो लॉन्च हो रहा है, और गुड लक टू प्रोड्यूसर्स एंड एंटायर टीम ऑफ भाग्य विधाता। अच्छा, अभी हमारी एक बिटिया से भी सुन लो गाने की। दिलीप सेन, समीर सेन जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, और तो काफ़ी सालों से वो बहुत फेमस तो हुई, तो गाने की दो लाइन मैं गुनगुनाती हूँ। चमक छल्लो है मेरा नाम बाबू, दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू, दिल वालों को कर दो गुलाम बाबू। तालियां तालियां तालियां, वेरी गुड, थैंक यू। अभी तुम लोग ऐसे ही खड़े रहना, दो सेकंड जरा, वो आ रहे हैं रंजीत जी, चलिए सर एक फोटो आपको ले दे। हां, जब तक फैमिली फोटो भाई, हां आप लोग आ सकते हैं, कल मैं आ चुका हूं, आप जाएं अली भाई, अली भाई, हां अली भाई, आ जाइए अली भाई, बोलो चलिए अली भाई। अरे ठहरे, कहीं आ रहे हैं यार, अली भाई चलिए भाई, काम करेंगे सर, बोलिए सर, क्या कहना चाहोगे? बस भाग्य विधाता को बधाई देना है, बहुत जमाने के बाद दोनों चाचा भतीजा सामने, दिलीप सेन समीर सेन, बड़ी खुशी की बात है, और नई जोड़ी को मुबारकबाद देना है हम, हमारे राकेश पांडे जी भी हैं, मैडम भी हैं, पंडित जी भी हैं, गुरु जी हमारे, गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता हूँ। मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए खास अभी अभी आए हैं, कटनी से आ रहा हूँ, कटनी से आए कटकना के, और अपनी वो जो चमक वाले जो चेहरे की बूटी है वो भी हमारे हीरो को दीजिएगा, परमानेंट है सर। हाँ, हीरो बहुत आगे जाए इंशाल्लाह, दुआएं इनके पिताजी हमारे दोस्त आई नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए ये सबके आने से, आप सबके आने से हमें पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म शोर शोर चलेगी, इसका म्यूजिक भी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वो है आप विकास भाई, आप अपने लेने, चलिए हो गई, विकास अपना काम कर नहीं रहा, विकास हो नहीं रहा सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.